यूपी में चुनावी साल करीब है, लिहाजा जीत से कम किसी भी दल को मंजूर नहीं। लिहाजा तमाम दल अपने अपने सियासी समीकरणों को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। सूबे की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी भी इस बार साइकिल को चमकाने में जुट गई है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से बचने के लिए खबर है कि सपा 100 सिटिंग विधायकों का टिकट काट सकती है। माना जा रहा है कि इस बार सपा जनता के बीच ऐसे नेताओं के साथ चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहती, जिसे लेकर जनता की राय ठीक नहीं है। मुख्य विपक्षी पार्टी रेस में कमतर नहीं करना चाहती, लिहाजा अपने दलित वोट बैंक के साथ साथ वो ब्राह्मण वोट बैंक को जोड़ने की कवायद में जुटी है। हालांकि उसे उम्मीद अल्पसंख्यक वोटरों से भी है, जिसका साथ मिलते ही एक ऐसा सियासी फॉर्मूला सामने आ सकता है जिसे जीत के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। इस कड़ी में बीजेपी भी जुटी हुई है। सूत्रों की माने तो वो 200 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर चुकी है, लेकिन उसकी इस कवायद पर उस वक्त सवाल उठ खड़ा होता है जब ये जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर अगला यूपी अध्यक्ष किसे बनाया जा रहा है। हालांकि कमल खिलाने के लिए बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है। इसी कड़ी में 1 अप्रैल को बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करने जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि बगैर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का कमल आखिर कैसे खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक 31 मार्च को सायं 3 बजे से पार्टी के राज्य मुख्यालय पर होगी। 1 अप्रैल को पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस को लेकर राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। 14 अप्रैल को हम सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं। उन कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। बात अगर कांग्रेस की करें तो उसने ये कवायद काफी पहले शुरू कर दी है। उसे प्रशांत किशोर की रणनीति पर भरोसा है, जो ये उम्मीद जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस बार कांग्रेस का परंपरागत दलित ब्राह्मण वोट बैंक उसे वापस मिल जाए। हालांकि उनकी ये कवायद कितनी सफल होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर की वजह से इस बार कांग्रेस खेमे की मायूसी जरूर कम हुई है। जाहिर है तमाम दल जातीय समीकरण पर नजरें टिकाए बैठे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सियासी दल ये मान चुके हैं कि इस बार भी जनता विकास की जगह जातीय समीकरणों में फंसकर वोट देगी।